नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है डीवी न्यूज में। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी डॉक्टर के भरोसे संचालित हो रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्सिंग होम और प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन से लेकर ओपीडी तक संभाल रहे हैं। चंद पैसों के लालच में ये लोगों की जान से खेल रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज को एक सरकारी डॉक्टर ने प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया और वहां ऑपरेशन किया। मरीज का हाथ टूटा था, लेकिन डॉक्टर ने हाथ के साथ साथ पेट का इलाज भी कर दिया। मरीज की इसके बाद मौत हो गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भले ही सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने को लेकर सख्त हैं, लेकिन यहां सब कुछ स्वास्थ्य विभाग की रजामंदी से चल रहा है। सीएमओ ने सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद कर रखी है। वहीं आपको बता दें, काशीराम हॉस्पिटल के डॉक्टर सुमित मिश्रा पर आरोप है कि वह दवा कंपनियों और स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से मरीजों को इलाज के नाम पर लूट रहे हैं।